इंडिया ने कंफर्म किया 400 मिलियन करेंसी स्वैप एग्रीमेंट विद श्रीलंका एंड अनदर 500 मिलियन ड्यू टू द सेटलमेंट टू द एशियन क्लियरिंग यूनियन. एशियन क्लियरिंग यूनियन की बात करें, स्टैब्लिश हुआ था 1974 में. इट इज अ इनिशिएटिव ऑफ यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक. तो एशियन क्लियरिंग यूनियन क्या करता है कि जो पेमेंट्स है तो मेंबर कंट्रीज के बीच में पेमेंट्स फैसिलिटेट करता है फॉर एलिजिबल ट्रांजेक्शन और मल्टीलेटरल बेसिस, thereby economizing that the use of the foreign exchange reserve and transfer code as well as promoting trade among the participating country. For example, दो कंट्री इंडिया एंड श्रीलंका. श्रीलंका के पास आज डॉलर है तो इंडिया को देगा, इंडिया रुपये देगा, रुपीज़ देगा. तो अभी श्रीलंका को डर रहेगा कि फ्यूचर में फ्लक्चुएट ना हो जाए, ऐसा ना हो कि वैल्यू जो है रुपये की बढ़ जाए तो हमें कम वापस में हमें डॉलर कम मिले. इस तरीके से क्या होता है, जिस आप प्राइस में डॉलर ले रहे हो उसी प्राइस में आपको बाद में पैसे मिलेंगे, जैसे डर खत्म हो जाता है. ऊपर से कंट्रीज़ अपनी करेंसी में भी स्वैप कर लेती है. फॉर एग्जांपल श्रीलंका ने डॉलर दिए एंड श्रीलंका ने अपनी करेंसी दी, इंडिया ने डॉलर दिए, फिर कुछ टाइम बाद इंडिया को फिर से डॉलर मिल जाएंगे श्रीलंका की करेंसी वापस करने में. तो दिस इज़ अ करेंसी स्वैप एग्रीमेंट. और इसको फैसिलिटेट कौन करता है, इसको करता है हमारा एशियन क्लियरिंग यूनियन जो स्टैब्लिश हुआ था 1974 में. इनिशिएटिव किसका, इट इज़ इनिशिएटिव ऑफ यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशियन पैसिफिक. सो कौन कौन से मेंबर्स है, यू मस्ट रिमेंबर, बांग्लादेश, भूटान, एशिया के कंट्री, इंडिया, ईरान, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका, ये करेंटली मेंबर है एशियन क्लियरिंग यूनियन के एंड हेडक्वार्टर्स इन तेहरान, ईरान. तो स्वैप का मतलब होता है एक्सचेंज करना. कंट्री प्रोवाइड करती है डॉलर्स टू फॉरन सेंट्रल बैंक, तो इससे इक्विवेलेंट फंड ट्रांसफर कर दिए जाते हैं उस कंट्री को. यहाँ पे दो करेंसी ट्रांसफर की जाती है एंड स्पेसिफाइड डेट बताई जाती है इसमें आप दोबारा एक्सचेंज कर लोगे, तो इसे बोलते हैं करेंसी स्वैप. बेनिफिट क्या होते हैं, देर इज़ अ नो एक्सचेंज रेट और अदर मार्केट रिस्क एज ट्रांजेक्शन टर्म्स आर सेट इन एडवांस. कि कितने दर में आप वापस लोगे, ये लोगे ऑलरेडी एडवांस में सेट कर लिया जाता है, तो कोई भी मार्केट रिस्क नहीं रहता है. चाहे डॉलर एंड रुपी का प्राइस कोई कुछ भी फ्लक्चुएट किया, कोई भी करेंसी का प्राइस फ्लक्चुएट करे, तो यहाँ पे करेंसी स्वैप एग्रीमेंट में इस तरह का डर नहीं रहता है, मार्केट रिस्क का डर नहीं रहता है. को सब कुछ ट्रांजेक्शन जो भी टर्म्स होते हैं दे आर सेट इन एडवांस. तो एशियन क्लियरिंग यूनियन 1974 में साइन हुआ था, हेडक्वार्टर्स इन तेहरान, ईरान एंड इनिशिएटिव था यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक कमीशन ऑफ एशिया एंड पैसिफिक.